कब एग्जाम आपका? 10 मार्च में। यहीं पे प्रोग्राम ख़त्म होता हुआ और ये लास्ट दिन था। अब हम लोग अजमल खान टीचर कॉलेज विजिट करने जा रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंट से इंटरेक्शन करने के लिए। हमारे साथ ही आगे आगे हैं। ये इधर हॉस्टल का ये फील्ड है खेलने के लिए। अजमल खातिरिया कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उधर भाई हम लोग को विजिट करवा रहे हैं। अपने काम में हम लाइव हैं। ले रहे अजमल खातिरिया कॉलेज का हॉस्टल। ये कॉमन हॉस्टल है ना? हाँ, ये आर्ट्स फैकल्टी वालों के लिए है और यूनानी वालों के लिए है। अच्छा, हॉस्टल का नाम क्या है? हॉस्टल का नाम है सर सैयद हॉल साउथ, मतलब साउथ पोर्शन। हॉस्टल बहुत बड़ा था तो उसको भी किया गया। अच्छा, और कुछ खास बात हॉस्टल के लिए? देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है। बहुत बड़ा हॉस्टल है ये। ये अबूजर भाई का रूम है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट है। बहुत अभी हम देखिए हॉस्टल है। अभी तो लोग हॉस्टल घुमा रहे हैं, जा रहे हैं मुन्ना पे जा रहे हैं। माशाल्लाह पढ़ाई में लगे हुए हैं बस। क्या पढ़ रहे हैं? मैं डाउन सिंड्रोम पढ़ रहा हूँ। कौन से ईयर में हैं? मैं थर्ड ईयर में। अच्छा, अभी थर्ड ईयर में हैं। चलिए ठीक है। नाम का 105। थर्ड ईयर में डाउन सिंड्रोम। अच्छा, हम लोग बेस्ट 2020 है, थर्ड ईयर गए हैं। लेकिन हम लोग का सेशन लेट है। एग्जाम हुआ थर्ड ईयर में, मतलब 1 मंथ क्लास हुआ होगा, सेशन लेट है। एक साल तो नहीं है अभी हम लोग थर्ड ईयर क्लास करके नहीं। मिरर है नहीं।
रूम में परमिशन होता है आपको फर्स्ट ईयर में ही हॉस्टल मिल गया था? फर्स्ट ईयर तो हमारा ऑनलाइन फर्स्ट ईयर तो सेकंड ईयर पे हम आए थे तो हम लोग का ऑफलाइन क्लास शुरू हुई तो मुझे हॉस्टल मिल गया था। एक ईयर आपको कोई मिल गया? देखिए फैन का हाइट पूरा पीएसएम का रूल फॉलो हो रहा है यहां पर, ये हाइट, ये बिल्डिंग का हाइट भी देख सकते हैं, पीएसएम के रूल के अकॉर्डिंग है जो कि पुराने जमाने के। इस फिल्मोग्राफी में क्या था ना दोस्त, कि आप लोग आए तो सोचे कि यूज में पड़ी है बिल्डिंग है और वो बैठे हैं यहां हम लोग के सामने खड़ा है इंटर वाले पीजी नया नया इंटर वाला इंटर वाले हम लोग का सेकंड ईयर तक ही था आगे उससे ज्यादा आगे गया नहीं था। बात करें थोड़ा पहले बोला बड़ा तक ही चला क्लास लगा बहुत अच्छा पीजी का भी क्लास चलता है 25% क्लास मतलब क्या है कि जब हम आए हैं अभी भी इस बार 12 प्रोफेसर को दिया गया है क्या बोलेंगे थर्ड ईयर का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है फाइनल ईयर का चला क्या महीना होगा हाँ लेकिन ये अस्सलाम दानी भाई आपके लिए हम आ गए सेकंड प्राइज आपको मिला। हाँ हाँ आपको सेकंड प्राइज हाँ हाँ वीडियो कंपटीशन मिला चलते इस रूम का हम बहुत सुने हैं अपने तनवीर सर के मुझे बहुत सुने तनवीर सर भी तो होंगे इसी रूम में सवाल नाम है ना आपका जी हां अभी तो मैं देखा था सवाल इस रूम के मुन्ना भाई कहां गए या मुन्ना भाई आए नहीं हैं लुक एक मिनट ले क्या पढ़ रहे अभी अब तो फाइनल ईयर में आप हैं कब एग्जाम आपका हमारे एग्जाम 10 मार्च से होने वाला है। अच्छा 10 मार्च से होने वाला है इसलिए आप लोग इधर उधर प्रोग्राम में नहीं आ पाए थे ना? नहीं प्रोग्राम तो अटेंड किए प्रोग्राम अटेंड किए बहुत सारे स्टूडेंट लोग नहीं आ पाए थे आपके बैच के है ना एग्जाम में सब बिजी है पार्टिसिपेट भी किया हमारे बैच में से ज्यादातर मेडिकल क्विज वगैरह में। अच्छा अच्छा हाँ चलिए सही है सोचिए आप लोग हॉस्टल विजिट कर लेते हैं हम चलिए बढ़िया ऑल द बेस्ट बिहार से है मधुबनी से हम लोग मधुबनी जी जी हाँ बिहार का स्टूडेंट सब है यूपी से भी जाता है कुछ कुछ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं यहाँ कैंटीन वाला एरिया है और इधर प्लेग्राउंड है
कैंटीन वाला एरिया है। कामरान चाय बढ़िया बना दियो भाई। खूबसूरत मंजर है यहाँ पर का। एक बार बताइए कि यहाँ मिला है मुझे तो हर फैकल्टी के हॉस्टल मतलब कि सबको मिल जाता है कि सर यहाँ तो हर फैकल्टी के अंदर तो बहुत सारा कोर्स होता है सभी के स्टूडेंट को हॉस्टल से नहीं घुसा दिया जाता है। बहुत सारे पहले ऐसा होता था किसी को भी कोई नहीं होता था। अब ये कह दिया कि बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स के हिसाब से अलग जैसे इंजीनियरिंग वालों के लिए अलग अच्छा यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे होता है। हमारे साथ हाँ ठीक है बस एक रो निकल लेता।